12 साल की मासूम बच्चे के साथ जानवर हरी की हरकत करवा वाला भरत सोनी की हालत अब टाइट हुई है। दूजा कोई अपराधी उन कोरट जाए तो पुलिस की गाड़ी जाए, ऐसा अपराधी थमार कमज मिलेगा जिनके एम्बुलेंस कोरट तक लेके जाए। कोरट में भी पीछे वाला रास्ता से के प्रवेश करायो, फटाफट जेल वारंट बनवा विदाई कराई दी। पुलिस ने कोरट में कह दिया अबे हमारे ऐसे कोई काम नहीं, हमारा काम तो हम निपटाई चुका। कोरट पे सिख बात, कोई जेल जाए, कोई पुलिस रिमांड वास्ते थाना जाए, आटो वालो भरत सोनी अस्पताल जाएगा, अस्पताल भी इंदौर वालों हो। हालत ऐसी बनी की है कि यहाँ वाला डॉक्टर साहब उन तो हाथ भी नहीं धरी रहा है, एक पग एक हाथ नेठू कंफ्यूज है कि मुड़नो कड़ी तरफ से कड़ी तरफ घूमी जाए। अबे तो इना अपराधी का पिताजी केवा लगी गया कि मारी तरफ से छोरम मरी गयो, भले ही तुम फांसी चढ़ाई दो। माननीय न्यायालय के समक्ष आज हमने पेश किया है, क्योंकि डॉक्टर के द्वारा अभी इसकी से पूछताछ करना संभव नहीं बताया गया है और इसको MYH इंदौर रेफर किया है, तो अभी हम इसको इंदौर रेफर कराएंगे। माननीय न्यायालय के समक्ष हमने सारे हालात अर्जित कर उनसे जुडिशियल रिमांड जो है 7 दिवस का प्राप्त किया है। जैसे ही ये स्वस्थ हो जाएगा वैसे ही हम इसको पुलिस रिमांड लेंगे और फिर तत्पश्चात आगे कार्रवाई पूरी करेंगे। भरत सोनी के कोर्ट में पेश करवास पेड़ा जिला सगला वकील साहब उनने फैसलो कर लियो था कि अवश्य का इना भूखा का कोई भी वकील साहब टुकड़ा नहीं डालेगा। अच्छा वकील साहब उनकी मजबूरी या के ही सीधे सीधे कणी को भी केस लेवास मना नहीं करी सके, घुमाई के रस्तों निकलवा में इनको कोई तोड़ नहीं। सुनो बार एसोसिएशन वाला अध्यक्ष जी कई अपील करी रहा है। जो मासूम भाई बालिका के साथ जो दुष्कृत्य हुआ है वो पूरे नगर को कलंकित करने वाली है, हमारे नगर की एक पौराणिक नगरी की एक छवि है, पूरे देश में शर्मसार हुए हम। और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उस मासूम बालिका को के साथ न्याय मिलेगा। उज्जैन बार का कोई भी पदाधिकारी उन हैवानियत करने वालों के साथ खड़ा नहीं होगा। अबे बात वणी बच्चे की जी का सते इना वैसीन खोटो काम करियो ने बात विका मरने जीने तक पहुंचेगी। या बच्ची अबे तेजी सुधार पे है, इंदौर का मावी को इलाज चली रहो। मांकल थाना वाला TI साहब वर्मा जी ने यो प्रण करियो कि बच्चे के सगला इलाज को विकी पढ़ाई लिखाई को ही हमेशा ध्यान रखेगा। इनका अलावा अरविंद अस्पताल वाला भंडारी जी इंदौर ने उज्जैन का और भी लोगन बच्चे की मदद वास्ते हाथ उन आगे बढ़ाया है। अभी आज आरोपी को हमने जुडिशियल रिमांड पर पेश किया है और माननीय न्यायालय के समक्ष माननीय न्यायालय ने आरोपी के पक्ष को सुना और उसे पूछा कि क्या वह विधिक सहायता चाहता है, तो उसने हाँ बोला, तो उसको शासकीय विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। अभी उससे पूछताछ की जाना संभव नहीं, इसलिए पुलिस रिमांड नहीं लिया गया है और आगामी दिनों में जैसे ही उसका इलाज हो जाता है, स्वस्थ होता है, तो उसका पुलिस रिमांड लेकर आगे कार्रवाई करेंगे। पाँव में चोट है, बाएँ पाँव में, दाहिने हाथ में चोट है। तो कल भी आपको जानकारी थी कि वो गिर गया था वहाँ रोड पर भागते समय, और यही बात उसने आज माननीय न्यायालय के समक्ष भी कही है। अभी तो JR हुआ है लेकिन हम 15 दिवस के अंदर उसका PR ले लेंगे। नागदा वाली भाजपा में दिलीप सिंह जी को टिकट काटी के तेज बहादुर सिंह जी थमाओगा बात से उठ्यो बवाल, हाल तक ठंडो नहीं पड़ो। दिलीप सिंह जी का थोड़ा घना समर्थक उन शुक्रवार भोपाल जावा वाला था, पर ऊपर से फोन आवाक बाद इनको भोपाल जावा प्लान कैंसिल हो गयो, ऐसा बता ही रहा। अबे तो ऊपर से भी कोशिश उन शुरू हुई कि कहीं भी तरीका से इना मामला में ठंडा छीटा पड़े। तेज बहादुर सिंह जी तो यूं भी डॉक्टर है, कौन सा रोग को कड़ी तरीका से इलाज होए, बुखार की तपन कड़ी तरीका से उतरे, ही भला से जाने। इना मामला में ऊपर वाला उन तो कहीं सुनी भी नहीं रहा, नीचे सबका ज्यादा अगर कोई का फजीता भी आनी तो वी था भाजपा वाला जिला का अध्यक्ष बहादुर सिंह जी बोर मुंडला। इनने मारा भाई साहब ने 3-4 दंड में 1 से 1 फोन उन अटेंड कराया, ऐसा ऐसा सवाल हुआ कि बहादुर सिंह जी से जवाब भी देता नहीं बनी। जयराम जी के भाई साहब, भाई साहब मैं खाचरौद वार्ड क्रमांक 15 से बोल रहा हूँ, बूथ अध्यक्ष। भाई साहब ये मेधपुर से लड़ रहे हैं चुनाव, मेधपुर वाला यहाँ खाचरौद आ गया चुनाव लड़वाने। बहादुर सिंह जी चौहान? हाँ नहीं नहीं वो तो मेधपुर में विधायक था। तो भाई साहब खाचरौद में भी तो नाम चल रहे हो, खाचरौद नागदा में वो डॉक्टर तेज बहादुर सिंह। तो भाई साहब हम तो वार्ड का कार्यकर्ता होके इनके पीछे नहीं, कोई नहीं, कभी बात ही नहीं हुई इनसे। तो ये तो यहाँ आपके यहाँ दो बार जिला देख रहे हैं यार।
अरे भाई साहब, तो जज रहे जज रहे, हम तो अभी अभी आए हैं कि पार्टी में, पांच पांच दस साल से आए हम तो। तो हम तो आपको पहचानते, बाकी इनको तो कभी देखा ही नहीं हमने। दो बार पार्टी के दो बार युवा मुक्ति के जिंदा भाई साहब, आपकी सब बात पर हमारे क्या है कि हमारे वार्ड में भी जैसे सुबह बातचीत हुई तो बोले यार ये मेधपुर वाले यहाँ लड़ेंगे चुनाव, क्या खाचरोद में क्या डूब गया, क्या नेता लो नेता नहीं है खाचरोद नागदा में के क्या है, मतलब नहीं, नहीं, ये तो नागदा ही रहते हैं भाई साहब, वो बात मानी, बाकी इनको पहचानता कोई भी नहीं है। शेखावत जी का सब कह रहा है क्या भैया, शेखावत जी को टिकट मिले तो काम का, नहीं तो अपने क्या काम के, इनको पहचाना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं इनको तो। हेलो, हाँ हाँ सुन लिया आपकी बात। तो भाई साहब ये क्या है, कुछ हो सकता है इसमें तो, करो आप परिवर्तन, हो सकता हो आप बात पहुंचाओ ऊपर तक। चलो तो आपने तो कुछ भी नहीं केंद्र का है, पर मैं ऊपर आपकी बात पहुंचा दूंगा। भाई साहब ये पुल निमटने वाली पिक्चर है, यूँ समझ लो कि 50,000 वोट से जीत जाएंगे दिलीप गुजर साहब। आपकी बात ऊपर, हाँ ये सीट चली जाएगी अपने हाथ से, मैं आपकी बात ऊपर पहुंचा। जी भाई साहब धन्यवाद। शेर में हवाई जहाज हरी की उड़ी रही खट्टारा बस, उनकी रफ्तार गामड़ा उनमें और भी तेज हुई जाए, भले ही कोई लपेटा में आए तो आए। शुक्रवार दोपहर सकील ट्रेवल वाली एक बस ने भाटपटला नाक माए कहर भर पाई दियो, आणी बस का तेज स्पीड में बिरे गुण हुई या फेल, ड्राइवर आई स्टेरिंग घुमाए मई पहिया जाए, बस काबू में नहीं आए, सड़क किनारा की एक दुकान में भरे गिन पलटी खाई गई, आणी हादसा में एक जना की मौका पे मौत हो गई, बाकी दो चार घायल भी आए। आराम से आराम से। हाल तो चुनाव उनाव की खाली तैयारी चली रही, घोषणा भी नहीं वही ने, लोग अब भी चुनाव का बहिष्कार की तैयारी करवा लगी क्या। आने बार घटिया क्षेत्र का दुलेटिया वाला उन नेताजी उन वास्ते ब्याह में आया फूफाजी बनी गया, इनको तो यहाँ तक कहना पड़ी रही हो कभी कोई नेताजी हमारे कन वोट मांगवाने भी आया तो वी काला झंडा दिखाएंगा चूड़ी उन पेंट वाक दांगा। वहां आखा दुलेटिया की नहीं, दुलेटिया खाली एक बस्ती की हुई रही है, यहाँ का लोग नेताजी उन वास्ते मुंडो का वास्ते फुगई के बैठा है, जरा इनका मुंडा सुनो। के वार्ड में समस्या है, हमारा वार्ड में समस्या है, ना तो बिजली है ना कोई रोड है, कोई काई की समस्या नहीं, ना शौचालय है, कुछ भी नहीं हमारे इस वार्ड में क्या। और कोई भी आएगा चुनाव, कोई भी वोट लेने आएगा, उनको हमारी चूड़ी फहराएगा और काले झंडे दिखाएंगे हम तो, और कोई भी हमारे इधर आना नहीं चाहिए वोट लेने के लिए, जूता खाई के जाएगा इधर। चुनाव उनाव का वादा उनसे एक बात और याद आई, वादा तो यहाँ तराना क्षेत्र वाला जवासिया कुमार गांव वाला उनसे भी हुआ था, एक वादा यो भी थो के बेलरी वाला रास्ता नदी पुल बनवाई के दांगा। शुक्रवार अवेर को यो एक सीन देखी लो, एक ट्राली सोयाबीन निकाली के लानी थी, व्हीकल यो तीन तीन ट्रैक्टर उन लगाना पड़ी गया। अबे आखा गांव वाला उनने ठानी लिए के भाजपा हो के कांग्रेस, भले ही बसपा वाला उन हाथी बैठी के आई जाए, अब तो वोट विकेट दांगा जो यहाँ पुल बनवाएगा। एक सीन यो भी देख लो, नगर निगम वाला चिल्ले रहा, प्रशासन वाला चिल्ले रहा, नदी में गणपति जी विसर्जित करी के काय वास्ते पाप का भागी बनो, नदी प्रदूषित करो, पर नहीं आस्था को मामलो गणपति जी नदी में जाएगा। शुक्रवार अवेर बेरुगढ़ वाला बड़ा पुल को यो सीन देख लो, यहाँ बड़ी बड़ी मूर्ति उन भी सीधा सिपरा जी में गई। अवेर यहाँ एक और कांड हुई गयो, बड़ा पुल से लोग मूरत उन विसर्जित करी रहा था, छोटा पुल पे लगी थी भीड़, एक नानक्यो इनका पिताजी के साथ यो सीन देखी रहो तो भाई जरा काय माई हुई गयो, पग टेड़ो धरायो सीधा नदी में, यो तो भलो है कि एक नाव वालो भाई इके सही साठ हालत में नदी से बाहर ले आयो। यो वीडियो भाई हितेश जैन का जरिए अपने मिलियो है। गुर्जर समाज वाला भाई उनने शुक्रवार दोपहर कलेक्टर वाला ऑफिस पहुंची के ज्ञापन दियो, ज्ञापन आनी बात को के गई 25 के ग्वालियर का मार्ग गुर्जर महापंचायत चली रही थी, आनी पंचायत में यहाँ कड़ी बात पे प्रशासन वाला अमला ने सगला गुर्जर समाज वाला भाई उन पे बर्बरता चढ़लू करी थी, कजा कितना मुकदमा लिखी दिया। अब सगला प्रदेश में गुर्जर समाज वाला भाई उन ज्ञापन उनका जरिए मांग धरी रहा कि आखा मामला की जांच कराओ, जिन्हें बर्बरता करी इनका खिलाफ कार्रवाई करो, करिया हुआ मुकदमा पाछा लो। चंबा के अध्यक्ष के होने के नाते जो ग्वालियर में जो अभी घटना हुई है, जो 25 सितंबर को जो हमारे महापंचायत ग्वालियर फुलबाग में हुई थी, उसमें हमने हमारे वहाँ के वरिष्ठों और हमारे समाज सेवियों ने
प्रशासन को सूचना भी करी थी कि आप ये ज्ञापन हम यहाँ पर दे रहे हैं, ज्ञापन लेने आए नए कलेक्टर महोदय में आए तो वहाँ के हमारे जो समाज के जो महापंचायत थी वरिष्ठ कम से कम 40-50 हज़ार लोग थे, वो लोग फिर इंतजार करते रहे कलेक्टर साहब का, कलेक्टर साहब नहीं आए। फिर जैसे ही हमारे सभी साथी और हमारे समाज के लोग वहाँ कलेक्टर कार्यालय पर शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे, पर जैसे ही वहाँ कलेक्टर कार्यालय पर पहुँचे और पुलिस या कार्रवाई उन पर तुका तरह से हो गई और लाठियाँ भंजी गई महिलाओं पुरुषों और सभी पर, उसका विरोध में यहाँ हम आज यहाँ पर हमने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया है और प्रशासन से मांग करी है। चला आज का हवन तरफ, हवन मने दर्शन आखा मालवा का वीडियो उन दिखाई रहा हूं तो मारो अपना मोल्लो कड़ी तरीका से पीछे रह जाए। यहां मारा अपना उर्दू पुरक माए पंडित हरिनारायण जी शास्त्री साहब गया सात दंड से भागवत जी सुनाई रहा। शुक्रवार सांझ गाजा बाजा के साथ सगड़ा जना उनने भागवत जी की विदा करी। इका पेड़े महारती भाई मारवाड़ा माली समाज वाला अध्यक्ष लीलाधर भाटी जी, मार साहब किशोर कुमार भाटी जी, वकील साहब मारोठिया जी, भाई गोविंद दगदी जी, हिम्मत बागड़ी जी और भी नरा जना हूं इन आयोजन में शामिल हुए, धर्म को लाभ उठायो। न्यूज मालवा वाली टीम ने भी यहाँ पहुंची के आशीर्वाद पायो। आनंद चौदस होगी पर अपना कने वीडियो आता बंद नहीं हुआ। सती गेट पे विराजिया चिंतारण महाराज का दरबार में गई सांझ महाआरती को आयोजन भी हो, दो कुंटल लड्डू उनको भोग लगे हो। भैया आनंद पंड्या जी ने वीडियो उन अपना कने भेजा है। सामानेरा वाला धीरज पंड्या जी ने गणपति जी का विसर्जन वाला वीडियो अपने भेजा। छोटी काली सिंध का किनारा पे सामानेरा टुकराल रूपाखेड़ी ने और भी नरा गांव वाला उनने ब्राह्मणी माता जी वाला दरबार का समय नद्दीम गणपति जी को विसर्जन करियो। गणपति जी विसर्जन का जुलूस को एक सीन अपना कहना मालीखेड़ी गांव से भी भाई रवि टेलर ने भेजो। गई रात यहाँ मालीखेड़ी में भी गणपति जी वाला जुलूस का नरा आनंद रिया। रतलाम जिला के जावरा तहसील वाला बड़वानी गांव से एक जना ने गणपति जी की आराधना वाला मंच को एक वीडियो अपने भेजो। गानो कई वजीरो जरा सुन जो, छत पर सोया था बहनो ही हूँ थारे अमजिक सुई की राणा जी माफ कर जो, बताओ आप। एक ऐसो को ऐसो वीडियो अपना कहीं साजापुर जिला के मोहन बड़ोदिया कने का मंडोदा गांव से भी आयो। यहाँ गणपति जी विसर्जन का आनंद कड़ी गाना के साथ मनी रिया जरा सुन जो, कोठे ऊपर कोठरी में मणि पे रेल चलाई दूंगी, वारे वार छुरा होन हिंदू होन हुई के ना अपना धार्मिक कार्यक्रम उनके अपन इस कड़ी तरीका से ले जाए। यो को सही साठ उदाहरण है। साजापुर जिला का जोकर में भी अनंत चौदस की झांकियां निकली। यहाँ भी एक से बढ़ के एक वीडियो उन अपना कने आया। अरे मेरे का 50 गांव उनका लोग यहाँ झांकी देखो पहुंचा था। भाई अर्जुन डोगरे ने ही वीडियो उन अपने भेजा है। सिंगावदा वाला कृष्णदास जी वैष्णव ने देवास जिला का हटपिपलिया वाला दर्शन भी अपने कराया। गई 11 के यहाँ हटपिपलिया में दातार नरसिंह भगवान की पालकी निकली। आखा मालवा में भोलेनाथ जी की सवारी नरी जगह निकले। नरसिंह भगवान की सवारी दर्शन आपके खाली उज्जैन में ना हटपिपलिया में देखो मिलेगा। यहाँ गाजा बाजा सवारी नदी पहुंची, वहाँ भगवान की प्रतिमा 3 बार पानी में तैरी। यहाँ मानता है कि 1 बार तैरे तो साल का 4 महीना, 2 बार तेरे तो 8 महीना, 3 बार तेरी जावे मना आखो साल सब के लिए जबरदस्त रेवा वालो है। महितपुर तहसील वाला पलवा गांव में भी गणपति जी विसर्जन को जुलूस निकलियो। अखाड़ा उनको प्रदर्शन भी हो। भाई गौरव परमार का जरिए पलवा का वीडियो उन अपना कंत तक आया है।
त्योहार उन अपनी जगह श्राद्ध भी कड़ी त्योहार से कम नहीं हो। अपना बाप दादा उनको याद करवा को, इनका पग धोवा को, इनके लिए दान करवा को त्योहार। श्राद्ध चल्लू हो गया तो अपना यहाँ सिद्धवट का घाट पे सगड़ा मारी उज्जैन की पहचान, उज्जैन किसान पंडा पुरोहित भईन भई उनकड़े भीड़ जुटी रही। एक बात हूँ हमेशा कहता हूँ कि उज्जैन सगड़ा तीर्थ उनसे तिल भर बड़ो ई ऐसा सीन हणी बात के साबित करे। देश भर से आया लोग यहाँ जड़ी तन्मयता से पूजा कराए, पुण्य जगाए। ई सीन अपना उज्जैन का दूजा शेर उनसे अलग दिखाए। ई वीडियो अपना श्याम कुमार शर्मा जी भेजा हुआ है। उज्जैन स्थित यहाँ पर लोयाकोटा तीर्थ है। यहाँ पर सभी लोग अपने पितरों जब 16 दिन के लिए श्राद्ध पक्ष में आते हैं तो सभी अपनी भावना से दूध और जल चढ़ाने के लिए आते हैं और यहाँ मोक्ष मिलता है पितरों को, तो इसीलिए दर्पण भी होता है। तो सभी लोगों को आस्था के साथ आते हैं। बाबा सभी के पितरों देवता सभी को आशीर्वाद दें, सभी के घर में सुख शांति रहे, यही कामना से सभी लोग यहाँ पर आते हैं। जिस प्रकार गया जी का महत्व है, फाल्गुन नदी का महत्व है, उसी प्रकार उज्जैन में गया कोटा का महत्व है। पितरों की शांति के लिए पितरों के तर्पण यहाँ पर किए जाते हैं। पूरे देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं और हम लोग भी उज्जैन के समस्त नागरिक लगभग पूरे 16 दिन यहाँ भगवान की शरण में रहते हैं। सप्तऋषि जी का मंदिर है, गयाधर गदाधर जी का मंदिर है और विष्णु चरण यहाँ पर स्थापित है। तो यहाँ दूध जल चढ़ाने का महत्व है और यहाँ पर आकर के पितरों को शांति मिलती है। ऐसा है कि अवंती का तीर्थ का तो बहुत बड़ा महत्व है, वो मेरी वाणी से वर्णन नहीं कर सकता हूँ, फिर भी संक्षिप्त में जो भी है उसके हिसाब से बताता हूँ कि जैसे सावन में पूरे महीने सावन में भगवान भोलेनाथ का उत्सव चलता है, 10 दिन गणेश जी में गणपति का उत्सव चलता है और नवरात्रि में माता जी का उत्सव चलता है। उसी प्रकार साल भर के अंदर भाद्र मास पूनम से कृष्ण पक्ष अमावस्या तक कुमार की ये 16 दिन 16 श्राद्ध के कहे जाते हैं। इन्हें 16 श्राद्ध में ये महत्व रहता है कि लोग अपने अपने पितरों का उद्धार के लिए, पितरों का कल्याण के लिए, पूर्वजों का उद्धार के लिए यहाँ जलदान और पिंडदान करने आते हैं।